नमस्कार, भावना तिवारी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। आइए देखिए उसकी रेसिपी। बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप बेसन, थोड़े से काजू और बादाम बारीक कटे हुए, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 4 चम्मच देसी घी और 5 चम्मच पिसी हुई चीनी। अब हम गैस में पैन गरम कर लेंगे और उसमें घी डालेंगे। ऊपर से उसमें सारा बेसन डाल देंगे। बेसन को हिलाते जाएंगे, बिल्कुल बेसन जलने ना पाए। अब बेसन ब्राउन होने लगा है, इसमें हम काजू और बादाम डाल देंगे जो बारीक कटा हुआ था। थोड़ा भून लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। बस 2 मिनट इसको चलाएंगे। ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसमें चीनी पाउडर डाल देंगे। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल देंगे ठंडा करने के लिए। यह अभी गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो हम लड्डू बनाना शुरू करेंगे। इसको 2 मिनट छोड़ देंगे। बेसन का मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। हल्का गर्म है ये भी, तभी इसके लड्डू अच्छे बनेंगे। आपको जिस आकार में चाहिए, बड़े छोटे, जितने बड़े चाहिए उतने बड़े बना सकते हैं, अगर छोटे चाहिए तो छोटे बना सकते हैं। हमारे सारे लड्डू बन चुके हैं। बेसन के लड्डू बनके तैयार हैं। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। इस तरह की रेसिपी और जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।